Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Hey everyone, very good morning. कैसे हैं सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. और न्यू घर की स्टार्टिंग हो चुकी है ब्लॉग की, आप लोगों ने देखा ही है हमन का. तो आज मेरा दूसरा ब्लॉग है न्यू हाउस में, तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि सामान बहुत हमारा इधर उधर था सारा. करूँ क्या नहीं करूँ, तो काफ़ी कंफ्यूज थी मैं. तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले कपड़े तय लगा के कवर्ड में लगाए जाएँ, क्योंकि कपड़े बहुत इधर उधर हो रहे थे हमारे. तो फिलहाल हमारे पास तीन कवर्ड है, तीनों में हम सोच रहे हैं अलग अलग करने के लिए. तो ये कवर्ड मैंने बनाई है अपने हस्बैंड की, ये देख सकते हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि ये कवर्ड मैं अपने हस्बैंड की बनाऊँ, और ये वाली कवर्ड जो है मैं सोच रही हूँ कि ये बच्चों की बना दूँगी. और मेरी कवर्ड मेरे बेडरूम में जो मेरी होगी फ़िलहाल फर्स्ट में. तो पहले सबसे पहले अपने हस्बैंड की कवर्ड को मैं लगाने जा रही हूँ. तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ एंड तक, आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो. तो मैं फ़िलहाल अपने बेडरूम में हूँ और मेरी कवर्ड ये है. तो देख सकते हैं आप लोग मेरे कपड़े ऐसे अस्त व्यस्त सब पड़े हुए हैं. बेड भी पूरा आप देख सकते हैं कि सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है. तो फिलहाल धीरे धीरे हुआ क्योंकि बहुत सारा सामान हमारा अभी शिफ्ट हुआ है. तो हम सोच रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे करेंगे सारा, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाएगा पूरा. आप देख सकते हैं अभी सामान शिफ्ट हुआ, तो अब ये देखिए सारा ऐसे पड़ा हुआ है सारा. तो कर रही हूँ मैं धीरे धीरे. तो मैंने सोचा कि उन्हें स्टार्टिंग अपने कवर से की जाए. तो अभी चलिए लगा देते हैं पहले हस्बैंड की, बच्चों की और अपनी. क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, चलिए कपड़ों की लगा लेते हैं तय, क्योंकि कपड़े इधर उधर अगर होते हैं तो मिलते नहीं हैं टाइम से, और बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे. तो मैंने सोचा कि आज कपड़ों की ही फ़ोल्ड कर लिया जाए. तो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसीलिए. चूल्हा भी नया रखा हुआ है, तो कुछ बर्तन भी निकाले हुए हैं मैंने किचन के लिए. सबसे अच्छा तो मैंने देखो छोटी सी बर्तन निकाली हुई है बाल्टी, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आरओ में बार बार बोतल से भरना पड़ता है. तो मैं सोच रही थी कि आरओ से निकाल के इसमें पहले भर के खाना बनाने के लिए यूज़ हो जाएगी. तो मैंने छोटी सी बाल्टी निकाली हुई है अपने किचन के लिए फिलहाल. और इसके बाद एक भगोना निकाला है मैंने दूध का फिलिप के साथ. तो ये मेरा जो दूध का है बर्तन है, उसमें एक सब्जी के लिए निकाला है मैंने डोंगल, ऐसा है भगोना देखो कितना अच्छा है. तो एक छोटा सा ये निकाला है मैंने न्यू ताया, ये देखिए ताया देख सकते हैं आप. तो मैंने न्यू निकाला हुआ है, ये न्यू चिमटा भी है. सबसे मेन बात है मेरे न्यू चकला बेलन देख सकते हैं. तो मैंने ये न्यू निकाले हैं अपने बर्तन किचन के लिए. और उसके बाद मैंने ग्लास, छोटे छोटे बाउल और ये थालियाँ निकाली हैं. मैंने गेट के लिए भी निकाले हैं मैंने, ये देखिए देख सकते हैं आप. कांच के कप लाई थी मैं, कांच के हैं जो. और ये कोल्ड ड्रिंक जूस के ग्लास, ये पानी के ग्लास, जग सहित है. तो कुछ बर्तन मैंने ये वाले निकाले थे न्यू, और अभी किचन बिल्कुल भी सेट नहीं है मेरा फिलहाल, ऐसे ही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्लॉग. और मैं खाना बना रही हूँ फिलहाल मेरा, क्योंकि अभी तक हमारा कभी बाहर से आ रहा था तो कभी
जो रुके हुए थे वो बना रहे थे, तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं और खाना बनाते हैं आज। सो फ्रेंड्स, किचन से मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री, और मैंने कल खाली समय पर फ्रेम्स लगाए हैं सब जगह पे। अभी ड्राइंग रूम बाकी है लगाने के लिए, और ये पारस लवी का रूम है। तो ये देखिए, मैंने ये वाली मैंने खाली छोड़ दी है, यहाँ नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे लवी की तस्वीर लगी, नीचे पारस की लगनी है, तो वो अभी है नहीं, मेरे से टूट गई थी एक्चुअली। पारस की अभी तस्वीर नहीं लगाई है मैंने, और वो भी लगा दूँगी, अभी आ जाएगी जब उसके बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लगाया है, और सामने की दीवार में मैंने देखिए गणेश जी लगा दिए थे। क्या कर रहे हो पारस? क्या कर रहे हो? अरे पंखा बंद कर दिया। फैन ऑन करो। अरे सो फ्रेंड, मैं अपने बेडरूम में भी लगा दिया, तो मैंने वहाँ पे वॉच लगा दी है। एक वॉच यहाँ रहेगी, एक वहाँ रहेगी, और यहाँ पे मैंने फ्रंट में आप देख सकते हैं मैंने ये तस्वीर लगाई है सामने। और उसके बाद मैंने एक फैमिली फ़ोटोज़ है हमारी, वो मैंने वहाँ शिफ्ट कर दी है, और सामने मैंने अपनी शादी की फ़ोटोज़ लगाई है। तो ये देखिए मेरा बेडरूम। यस, क्या कर रहे हो? आओ जल्दी से, आओ जल्दी। फ्रेंड, मैंने लाइट भी बंद कर दी है, और तब भी नहीं सो रहे हैं। लवी सो जाओ बेटा, अब नहीं सो। लवी सो जाओ आप। लवी, लवी नींद नहीं आ रही, इसको नींद नहीं आ रही है फिलहाल। अभी लवी को हमारे, लवी मॉर्निंग में स्कूल जाना है, अब जल्दी से सो जाओ। फ़ोन तो लवी आज अभी पापा से फ़ोन लेके आई है, कह रही है कि मुझे पापा मॉर्निंग से आज फ़ोन नहीं मिला, और उसको आजकल फ़ोन नहीं मिलता है, तो इस टाइम पापा आए हैं लेट, तो अपने पापा का फ़ोन देख लिया। क्या कर रहे हो? सो जाओ, चलो नींद नहीं करा पारस का। तो फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 12, और बच्चे लोग आज दिन में सो चुके हैं, तो इनको फ़िलहाल अभी नींद नहीं आ रही है। ये देखिए नींद नहीं आ रही पारस। लवी, ये कौन सा टाइम है फ़ोन देखने का आपका? लवी बेटा, नींद नहीं आ रही आपको? हेलो, देखो आप इधर बैठे, नींद नहीं आ रही आपको? सो जाओ बेटा, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। क्या हुआ? क्या हुआ? वॉमिट हो रही है? कैसे करते हैं वॉमिट? तो फिलहाल इनको अभी नींद आ नहीं रही है, और मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।